हे व्हाट्स अप गाइस, अनुज हियर एंड वेलकम टू 37 कोर्स। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं डायस्ट्रास एल्गोरिथम के बारे में। बहुत ही फेमस और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम होती है ये। तो इसकी बात कर रहा हूं, कैसे सॉल्व की जाती है। इसका कोड देख रहे होंगे, बहुत ही सिंपल कोड देख रहे होंगे, आप लोगों को अच्छे समझ में आने वाला है। चलो देखते हैं क्या होती है ये एल्गोरिथम, काम क्या करती है। तो बेसिकली डायस्ट्रास एल्गोरिथम काम में आती है एक सोर्स से लेकर सारे सारे ग्राफ के अंदर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताने में। ठीक है, आप लोगों को अगर कुछ इस तरह का ग्राफ दे रखा है, वेटेड ग्राफ दे रखा है, और आप लोगों को कोई भी सोर्स नोड दे रखी है, उससे आप लोगों को सारी सारी वर्टेक्स का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या रहने वाला है वो बताना है। तो जैसे आप सपोज करो, यहाँ पे कोई भी वर्टेक्स हो सकती है सोर्स, मैं मान लेता हूँ जीरो सोर्स वर्टेक्स है। कोई भी वर्टेक्स क्वेश्चन में आप लोगों को सोर्स दी जा सकती है, मैंने मान लिया जीरो है। तो जीरो से आप लोग हर जगह जा सकते हो, वहाँ तक जाने का क्या मिनिमम रास्ता आ रहा है वो ये एल्गोरिथम बता देती है। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो जीरो से जीरो अगर हमें जाना है तो जीरो डिस्टेंस पर ही चले जाएंगे। जीरो से वन अगर हमें जाना है तो शॉर्टेस्ट रास्ता क्या होगा, एक तो ये रास्ता है फोर से नाइन, लेकिन इसका लेंथ आ रहा है थर्टीन। एक रास्ता हो सकता है टू प्लस वन थ्री प्लस टू फाइव प्लस वन सिक्स। ठीक है, तो ये सबसे छोटा रास्ता मुझे लग रहा है। उसके अलावा अगर आप लोगों को टू पे जाना तो टू के लिए आप लोगों के पास दो रास्ते हैं, टू प्लस थ्री फाइव या फिर फोर, या फिर टू प्लस वन फोर, तो फोर ही होगा। उसके बाद अगर आप लोगों को थ्री तक जाना है तो थ्री के तक जाने के लिए ये रास्ता है शॉर्टेस्ट टू। उसके बाद अगर आप लोगों को फोर तक जाना है तो फोर तक जाने के लिए है टू प्लस वन थ्री प्लस टू फाइव, और अगर आप लोगों को फाइव तक जाना है तो उसके लिए है टू प्लस वन थ्री। तो ये अगर आप लोगों को एरे फाइनल आउटपुट देना है तो उसके लिए डायस्ट्रास एल्गोरिथम हेल्प कर रही होती है। जरा समझते हैं किस तरीके से ये काम कर रही होती है। अगर आप लोगों ने प्रिम्स एल्गोरिथम देखी होगी ना, तो बहुत ही हद तक वैसे ही ये एल्गोरिथम भी है। मैं पूरा कोड कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ प्रिम्स एल्गोरिथम का लास्ट वीडियो वाला। आप लोगों को अगर एक आगे समझ में, तो दूसरी भी आप लोगों को बहुत ईजिली समझ में आने वाली है। सेम डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहे होते हैं दोनों के अंदर, सेम फंडा यूज हो रहा है। जरा समझते हैं किस तरीके से काम करती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किसी भी सोर्स वर्टेक्स के साथ जो भी हमें क्वेश्चन में दी है, और उसको हम डाल देते हैं अपनी प्रायोरिटी क्यू के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर भी आप लोग हैश मैप और प्रायोरिटी क्यू दोनों बना के चल सकते हो, कि आप लोगों ने एक हैश मैप बना लिया और एक आप लोगों ने प्रायोरिटी क्यू बना ली। सो दैट अगर आप लोगों ने हैश मैप और प्रायोरिटी क्यू दोनों का मिक्स करके डेटा स्ट्रक्चर बनाया, तो इससे होगा क्या कि आप लोगों का जो ये फिल होगा ना, उसके अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो एटमोस्ट बिग ऑफ वी ही जा रहे होंगे, वी ही एलिमेंट फिल हो रहे होंगे। बट अगर मैं यहाँ से हैश मैप को रिमूव कर देता हूँ, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कोई एलिमेंट ऑलरेडी इस प्रायोरिटी क्यू के अंदर है कि नहीं है। तो मैं यहाँ पर फिर उस केस में बिग ओ ऑफ ई एलिमेंट डाल रहा हूँगा। ठीक है, तो जो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी फिर वो बिग ऑफ ई के हिसाब से आएगी। और होता क्या है ज़्यादातर कि वर्टेक्स कम होती हैं, एजेस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए ये बहुत ड्रास्टिक चेंज आ जाता है उस केस में। तो मैं सिंप्लिसिटी के लिए ऐसा कर रहा हूँ कि मैप और प्रायोरिटी क्यू यहाँ पर लिख देता हूँ, लेकिन जब हम कोड कर रहे होंगे ना, तो कोड करते टाइम मैं मैप नहीं बना रहूँगा, उसका मैं कोड आप लोगों को दे दूंगा, बहुत ही सिंपल रहता है। बाकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इतना कोई फर्क मैंने कभी देखा नहीं है। मतलब मैं जब भी इंप्लीमेंट कर रहा हूँ तो कभी भी डायस्ट्रास एल्गोरिथम को विदाउट अ मैप तो भी हो जाता है पास हर जगह। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो फंडा के यूज होने वाला है इसके अंदर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मैप प्लस प्रायोरिटी क्यू बनाएंगे और इसके अंदर सारी सारी वर्टिसेस को डाल देंगे, और उन वर्टिसेस का कितना डिस्टेंस आ रहा है अभी फिलहाल वो भी डाल देंगे। तो हमारे पास वर्टिसेस है जीरो से लेकर फाइव तक, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव। ठीक है, और इनका जो शुरुआत में डिस्टेंस रहने वाला सोर्स है, उन सबको हम इन्फाइनाइट मार्क कर देंगे कि सबके सब इन्फाइनाइट दूरी पर हैं, हमें नहीं पता ये कनेक्टेड है भी कि नहीं है। और ऐसा करते हैं, जो सोर्स हमें दे रखा है ना क्वेश्चन में शुरुआत में, सपोज करो जीरो दे रखा है इस केस में, तो सोर्स को हमने बोल दिया जीरो डिस्टेंस पे है शुरुआत करते टाइम। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये प्रायोरिटी क्यू है और प्रायोरिटी क्यू जो है वो इसके बेसिस पे है ये, तो ये सबसे छोटा एलिमेंट जो होगा इनमें से, उसको हम एक्सट्रैक्ट मिन कर लेंगे। ठीक है, एक्सट्रैक्ट मिन वो होगा, तो ये एलिमेंट हमारा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और हमने इस एलिमेंट को बाहर निकाल दिया। तो जीरो था, जीरो डिस्टेंस पे हमने इसको बाहर निकाल दिया, और अब जीरो से जो भी एलिमेंट विजिट हो चुके हैं वहाँ पर जाएंगे। तो जीरो से हमारे पास यहाँ जा सकते हैं थ्री पे, और थ्री का देखेंगे कि थ्री अभी कितने डिस्टेंस पे है, तो थ्री अभी इन्फाइनाइट डिस्टेंस पे है। वहीं अगर जीरो के थ्रू होकर जाएँ थ्री पे तो कितना डिस्टेंस पड़ेगा, तो जीरो तक आने में जो डिस्टेंस लगा था वो था जीरो, राइट। और थ्री तक आने में क्या डिस्टेंस लगेगा जीरो से, वो लगेगा टू। तो जीरो प्लस टू क्या थ्री के ऑलरेडी वाले डिस्टेंस से बड़ा है कि छोटा है, तो थ्री का ऑलरेडी डिस्टेंस था इन्फाइनाइट, तो ये छोटा है, राइट। टू इज़ लेस देन इन्फिनिटी, तो इसको अपडेट कर दो कि ये इन्फिनिट दूर नहीं है, ये सिर्फ दो डिस्टेंस दूर है। ठीक है, सेम चीज़ इसके दूसरे नेबर के साथ करेंगे, इसके साथ। तो टू तक पहुंचने का डिस्टेंस अभी फिलहाल इन्फिनिटी है, वहीं अगर जीरो के थ्रू टू टू तक पहुंचा जाए तो डिस्टेंस आता है जीरो तक पहुंचने का डिस्टेंस, विच वॉज जीरो प्लस फोर, जो इस एज की लेंथ है फोर, तो ये अभी भी छोटा है फोर, तो इसको भी अपडेट कर दो। तो यहाँ पर हो गया फोर। अब इस तरीके से हमने जीरो के सारे नेबर विजिट कर लिए हैं। अब हम अगेन एक्सट्रैक्ट मिन करेंगे, सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा, ये वाला एलिमेंट है, इसको हम बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो थ्री तक पहुंचने के लिए हमारा डिस्टेंस आ रहा था थ्रू टू, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। अब थ्री तक हम पहुंच गए हैं, अब देखते हैं थ्री से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं और उनके डिस्टेंस को हम अपडेट करते चलेंगे। तो थ्री से हम जीरो जा सकते हैं, लेकिन जीरो यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको अब। ठीक है, जीरो निकल चुका है, जीरो निकल चुका है, इसका मतलब जीरो विजिट हो चुका है।
राइट। तो हमने अलग से विजिटेड नहीं बनाया यहाँ पे, क्योंकि ये मैप जो है ये बेसिकली ध्यान रखे कौन कौन सा एलिमेंट इसमें पड़ा हुआ है, प्राइट क्यू के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट नहीं है, जो नहीं होगा वो इसमें से निकलता जाएगा। तो ये नहीं है, जीरो नहीं है, देन टू पे जाएंगे लेकिन टू भी नहीं है इसके अंदर, देन फाइव पे जाएंगे और फाइव के डिस्टेंस को हम अपडेट कर देंगे, फाइव का डिस्टेंस अब हो जाएगा थ्री तक आने का क्या डिस्टेंस था, थ्री तक आने का डिस्टेंस था टू, टू प्लस फाइव तक जाने का क्या डिस्टेंस है इस एज की लेंथ वन, तो टू प्लस वन इज लेस देन इन्फिनिटी राइट, तो थ्री डाल देंगे यहाँ पे इस तरीके से, और थ्री से और कहीं नहीं आ सकते। तो हम अब अगली बारी में अगेन एक्सट्रैक्ट मिन करेंगे, तो हमारे पास फोर है, थ्री है और इन्फिनिटी है, तो थ्री को हम बाहर निकालेंगे, इसको हमने बाहर निकाला और उसको हमने लिख दिया कि ठीक है फाइव तक पहुंचने के लिए हमें पड़ेगा थ्री। अब हमने फाइव के एलिमेंट्स जो भी नेबर्स हैं उनके पास जाएंगे, तो फाइव का नेबर एक तो थ्री है लेकिन थ्री यहाँ पर नहीं है राइट। फाइव तक पहुंचने का डिस्टेंस क्या आ रहा है, फाइव तक पहुंचने का आ रहा है थ्री प्लस फाइव के थ्रू अगर टू जाएंगे तो ये इसकी लेंथ वन, फोर, फोर इज नॉट लेस देन फोर राइट, क्योंकि अभी तक टू तक जाने का जो डिस्टेंस है वो फोर है, तो इसको हम अपडेट नहीं करेंगे। फाइव से और कहाँ जा सकते हैं, फाइव से फोर जा सकते हैं, और फोर तक जाने का अभी तक है इन्फिनिटी, और फोर को अगर फाइव के थ्रू जाएंगे तो फाइव तक जाने का डिस्टेंस था थ्री प्लस ये एज की लेंथ क्या है टू, तो थ्री प्लस टू विच इज फाइव, फाइव इज लेस देन फोर, फाइव इज लेस देन इन्फिनिटी, तो फाइव को हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे। उसके बाद फाइव का और कोई नेबर नहीं है जो अभी तक नॉन विजिटेड हो, तो उसके बाद हम अगेन एक एक्सट्रैक्टमेंट करेंगे, अगेन एक्सट्रैक्टमेंट करेंगे, तो हम इस एलिमेंट को बाहर निकालेंगे राइट, और इसको हमने लिख दिया कि ठीक है टू तक हम जा सकते हैं फोर डिस्टेंस के बाद। अब हमारा करंट हो गया टू, और टू के सारे नेबर्स पे जाएंगे जो अभी तक विजिटेड नहीं है, और उनके एलिमेंट को हम अपडेट करेंगे, तो टू से जीरो जा सकते हैं लेकिन जीरो यहाँ पर नहीं है, टू से थ्री जा सकते हैं थ्री भी यहाँ पर नहीं है, टू से वन जा सकते हैं वन यहाँ पर है और वन का डिस्टेंस आ रहा भी फिलहाल इन्फिनिटी, लेकिन अगर टू के थ्रू जाएंगे तो यहाँ पर टू का डिस्टेंस था फोर, फोर प्लस नाइन आएगा, फोर प्लस नाइन विच इज थर्टीन, तो ये ऑब्वियसली छोटा है, तो इसको हम अपडेट कर देते हैं कि वन तक जाने का हमें एक रास्ता मिला है जिसकी लेंथ है थर्टीन राइट, टू के थ्रू इस तरीके से आ सकते हैं आप, तो हमने ये अपडेट कर दिया। उसके अलावा टू से हम फाइव भी जा सकते हैं, फाइव भी यहाँ पर नहीं है, तो हम बस यहाँ पर रुक जाएंगे टू के लिए। अब हम नेक्स्ट एक्सट्रैक्टमेंट करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास एलिमेंट बचा है फोर टू फाइव राइट, कि फोर फाइव को हमने बाहर निकाला अगले इटरेशन में, और हम फोर पे आ जाएंगे। अब हम देखेंगे फोर से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो फोर से फाइव पे जा सकते हैं लेकिन फाइव ऑलरेडी विजिटेड है, फाइव यहाँ पर नहीं है, तो इसको हम अपडेट नहीं करेंगे। फोर से हम वन जा सकते हैं और वन जाने का डिस्टेंस अभी फिलहाल है थर्टीन, लेकिन अगर हम फोर के थ्रू जाएंगे तो फोर तक आने का डिस्टेंस क्या था, फोर तक आने का डिस्टेंस था फाइव प्लस ये एज की लेंथ क्या है वन, तो फाइव प्लस वन सिक्स है जो कि छोटा है थर्टीन से, तो इसको हम अपडेट कर देंगे ठीक है, कि यहाँ तक जाने का एक दूसरा रास्ता हमें मिल चुका है, कि आप लोग ऐसे मत जाओ शॉर्टकट में, आप लोगों को एक दूसरा रास्ता मिल जाएगा जो कि छोटा ज़्यादा ठीक है सिक्स। तो हमने इस तरीके से इसे अपडेट कर दिया, और उसके बाद अगेन हम एक्सट्रैक्टमेंट करेंगे, तो हमने इसको भी बाहर निकाला अगली इटरेशन में, और उसके बाद हम वन के पास जाएंगे और वन के जो भी नेबर्स हैं उनको अपडेट करने का ट्राई करेंगे, तो वन से लेकिन टू जा रहे हैं तो टू यहाँ पर नहीं है तो नहीं अपडेट करेंगे, और वन से फोर जा सकते हैं लेकिन फोर भी यहाँ पर नहीं है तो अपडेट नहीं करेंगे, और इस तरीके से हमने सारे सारे एलिमेंट यहाँ के इटरेट कर लिए, तो प्रायोरिटी क्यू से हम बाहर निकल जाएंगे। और उसके बाद आप देख रहे हो सभी एलिमेंट के लिए हमने लिख दिया कि वहाँ से दूसरे एलिमेंट तक जाने का शॉर्टेस्ट रास्ता क्या है, तो ये वही है, जीरो से जीरो जाना है तो जीरो है, जीरो से वन जाना है, वन के लिए सिक्स था राइट, वन के लिए सिक्स था ठीक है, वन के लिए सिक्स है, टू के लिए फोर है, थ्री के लिए टू है, फोर के लिए फाइव है, और फाइव के लिए थ्री है राइट। तो इस तरीके से हमारी वैल्यूज यहाँ पर अपडेट होती रहेंगी। इसको आप लोग ऐसे ना लिखने की बजाय आप लोग एक एरे बना सकते हो खुद का ठीक है, ये आंसर वाला एरे बना सकते हो और उसी के अंदर आप लोग ऐसे वैल्यूज अपडेट करते चलते सकते हो। तो ये मैंने बस समझाने के लिए इस तरीके से लिखा है, बाकी आप लोग एरे के अंदर ही ये वैल्यूज अपडेट कर रहे होंगे। तो इस तरीके से एल्गोरिथम काम करने वाली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिमिलर एल्गोरिथम है, आप लोगों की प्रिम्स एल्गोरिथम के जैसे ही रहने वाली है, जरा देखते हैं कोड, उसके बाद आप लोगों को सिमिलैरिटी समझ में आएंगी और कितना ईजी है ये समझ में आएगा। तो ये रहा हमारा कोड, मैंने काफ़ी हद तक अपना मिनिमम स्पैनिंग ट्री वाला जो कोड है ना उसी को उठा के यहाँ पे डाला है। ये हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री का कोड था, इसके अंदर भी हम एक पेयर बना रहे थे, उसके बाद हमारी प्रायोरिटी क्यू बन रही थी एक, और उसके बाद प्रायोरिटी क्यू के अंदर से एक एक एलिमेंट हम बाहर निकाल रहे थे, और इस तरीके से हम प्रायोरिटी क्यू के अंदर इस तरीके से एलिमेंट डाल रहे थे राइट। यहाँ पर हम आंसर में सिर्फ ऐसे अपडेट कर रहे थे, हमारे पास कोई आंसर का एरे अलग से बनाने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पर हमें एक आंसर का एरे बना के रखना पड़ेगा जिसको हम शुरुआत में इन्फिनाइट वैल्यूज डाल रहे होंगे राइट। हमने यहाँ पे इन्फिनाइट वैल्यू डाली थी, तो मैंने एक आंसर नाम का एरे बनाया है, तो इन्फिनाइट की जगह पे मैंने यहाँ पर ये लिख दिया 10^7, आप लोग कोई भी एक बड़ा नंबर यहाँ पर चूज़ कर सकते हो, मैंने ये चूज़ कर लिया, ये हमारा काम कर रहा है यहाँ पर। उसके बाद सोर्स हमें दे रखा है, इसके अंदर सोर्स हमने जीरो मार्क कर दिया, पहले तो हमने जीरो हमने यहाँ पर जीरो मार्क कर दिया था, लेकिन अगर आप लोगों को क्वेश्चन में सोर्स दे रखा है तो आप लोगों को उसी जगह के आंसर को जीरो मार्क करना पड़ेगा राइट। तो मैंने यहाँ पर उस तरीके से इसे मार्क कर दिया। उसके बाद प्रायोरिटी क्यू के अंदर क्या डाला है, मैंने प्रायोरिटी क्यू के अंदर डाला है, यहाँ पर आप देख रहे हो न्यू पेयर सोर्स जीरो ठीक है, तो सोर्स डाला है मैंने फिलहाल के लिए प्रायोरिटी क्यू के अंदर, और उसके बाद हमने उसको बाहर निकाला। उसके बाद जो करंट वर्टेक्स होगी वो ये होगी यू, अगर ये ऑलरेडी विजिटेड है तो उसको आप कंटिन्यू कर दो, क्योंकि अगर ऑलरेडी विजिटेड है ये वर्टेक्स तो इसके जो भी नेबर्स थे वो ऑलरेडी प्रायोरिटी क्यू के अंदर डले ही होंगे। अगर ये विजिटेड नहीं है तो इसको विजिटेड मार्क कर दो ट्रू, और उसके बाद इसके सारे सारे नेबर्स पर जाओ और उनका वर्टेक्स निकालो और उनका वेट निकालो, और उसका चेक करो कि ये जो नई वर्टेक्स है
यहाँ तक जाने का जो डिस्टेंस अभी फिलहाल है वो अगर बड़ा है इस वर्टेक्स के थ्रू होके अगर मैं जाऊँ तो, ठीक है, वही जो सेम लॉजिक हमने देखा था ना यहाँ पे कि सपोज करो हमें 4 से लेकर 1 पर जाना है, लेकिन 1 तक जाने का डिस्टेंस ऑलरेडी हमें गिवन है, तो क्या 1 तक जाने का डिस्टेंस या फिर 4 तक जाने का डिस्टेंस प्लस इस एज का डिस्टेंस छोटा है 1 तक जाने का डिस्टेंस से, तो भाई उसको अपडेट कर दो इसके डिस्टेंस को। तो वही मैंने यहाँ पे किया हुआ है कि अगर ऑलरेडी वो बड़ा है तो उसको आप अपडेट कर दो इस तरीके से, और साथ ही साथ क्योंकि ये अपडेट हुआ है तो उसके बाद हमने इसको पेयर में पेयर को भी डाल दिया इसके अंदर, ठीक है, तो इस क्यू के अंदर भी उस पेयर को डाल दो। तो पेयर को डालते टाइम क्या कर रहे हैं, हम वर्टेक्स डाल रहे हैं और उसके बाद आंसर ऑफ वर्टेक्स भी डाल दे रहे हैं कि क्या साइज़ है। यही चीज़ अगर आप लोग हैश मैप बना रहे होते तो आप लोग सिर्फ उस जगह पर जाके पहले आप ढूंढते कि वो पेयर कहाँ पर है, उस पेयर को सीधा प्राइट क्यू के अंदर अपडेट कर देते, राइट, तो वो भी आप लोग कर सकते हो डायरेक्टली उसके प्राइट क्यू के अंदर अपडेट कर सकते हो। तो इससे होगा क्या, जो साइज़ बनेगा प्राइट क्यू का वो आप लोगों का बिग ऑफ वी टाइम ही बनेगा, बिग ऑफ ई टाइम नहीं बनेगा, तो वो थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन होती है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कितना सिंपल कोड हो गया है वो, ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कितना सिंपल कोड है। आप लोगों को बेसिकली प्राइट क्यू में से एक करके एलिमेंट बाहर निकालने हैं, उस एलिमेंट के सारे सारे नेबर्स के पास जाना है, उस नेबर तक जाने का डिस्टेंस अगर ऑलरेडी ज़्यादा था और अगर इस करंट एलिमेंट के थ्रू अगर आप उस नेबर तक जा रहे हो और वो छोटा है तो आप लोग उस डिस्टेंस को अपडेट कर दो, उसके बाद उसको प्राइट क्यू में डाल दो उस चीज़ को, और इस तरीके से वो प्राइट क्यू में से एक एक करके एलिमेंट बाहर निकलते रहेंगे और फाइनली आपकी सारी की सारी वैल्यूज मिनिमम के आंसर के साथ अपडेट होती रहेंगी, और ये वाला कोड यहाँ पर चलेगा, ठीक है, इसको मैं रन करूँगा तो दिस विल वर्क। एक और चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली है कि जब हम पेयर बना रहे हैं तो वो पेयर जो है वो कंपेरेबल बनाया है मैंने, उसको हम कंपेयर कर रहे हैं उसके वेट के हिसाब से, ठीक है, ये चीज़ हमने देख ली थी ऑलरेडी प्रिम्स एल्गोरिथम के अंदर, मैं आप लोगों को दोबारा बता रहा हूँ, ये एल्गोरिथम देखने से पहले प्रिम्स एल्गोरिथम देखना जरूरी है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है इसके, ठीक है, ये दोनों एल्गोरिथम बहुत ही सिमिलर हैं, यहाँ पर आप लोगों को दिख भी रहा हो कितनी सिमिलर है ये, तो आप लोगों को आई होप पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा डायस्ट्रा एल्गोरिथम प्रिम्स एल्गोरिथम। इस वाली वीडियो में इतना ही था, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं, बाय बाय। We'll be right back.